बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये देखें, गले का कुछ इस तरह से, ये पहले से प्रिंटेड गला है कुछ, ये देखें इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। तो इसी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग मैं खूबसूरत सा गला बनाऊँगी। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसके यहाँ तक जितना हमने गला रखना है, उससे नीचे जो हमने दरमियान में कपड़ा लगाना है, उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए ये मैंने दो पीस लिए हैं। उन पर मैंने इस तरह से ये पेस्टिंग बुकरम लगा ली है, ये देखें दो पीस पर इस तरह से। तो इसके साथ ये मैंने मोती लिए हैं, ये देखें ये दो कलर के मोती हैं, ये इस तरह से, ये कुछ लटकन वाले मोती हैं और ये गोल हैं। तो इसके सेम बेस के मोती हैं, ऑफ वाइट कलर के मोती हैं साथ में इसका। तो ये देखें जिस तरह से ये गला बना हुआ है, इसी तरह से इसके नीचे मैंने, ये मेरे पास जीरो बुकरम थी, ये मैंने इस तरह से इसके नीचे लगा दी है। देखें ये देखें, ये लैस की उल्टी साइड मैंने की है। तो इस तरह से उल्टी साइड रखकर पहले मैं इसके ऊपर लैस लगाऊंगी। तो देखें ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब इसके नीचे इस तरह से कपड़ा रखूंगी मैं, ये देखिए कपड़ा रखकर इस तरह से मैं इसको पलट दूंगी। इसी सिलाई के ऊपर मैं फिर से सिलाई चला दूंगी। तो देखें इसी सिलाई के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई चला दी। तो आपने अपने, मैंने गले की मेजरमेंट कर ली थी कि मेरे ऊपर से गला कितना चौड़ा है। मैक्सिमम हम 6 इंच गला रखते हैं, 3 इंच इस साइड से, 3 इंच इस साइड से। तो मैंने गले की मेजरमेंट कर ली थी पहले, आपने भी लाजमी इस चीज़ की मेजरमेंट कर लेनी है। तो देखें गला मेरा टोटल 7 इंच आ रहा है। तो ये आधे इंच की मेरी लैस हो जाएगी दोनों साइड से, तो गला पूरा हो जाएगा। तो पहले मैं इसको अंदर से इसकी ये चीज़ एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर दूँगी। तो देखिए अब इसके साथ फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सारा कट कर दूंगी मैं। तो देखें ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच के करीब ये कपड़ा रखा है, बाकी कपड़ा मैंने कट कर दिया सारा। तो अब इसको मैं इस तरह से पलटूंगी। यहाँ पर अगर सिलाई लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं सिलाई लगाना चाहते तो आपने इसको इस तरह से पलट देना है। ये देखें यह सारा कपड़ा इस तरह से मैं पलट दूँगी, ऐसे इसको पलट कर मैं पहले इस पर तरपाई लगा लूँगी। ये देखें ये सारा कपड़ा इस तरह से मैंने पलट देना है। तो ये हमारी इनविजिबल तरीके से लैस हो गई, लैस हमारी गुम सिलाई में चली गई और जो मैंने बाहर निकालनी थी वो लैस बाहर की तरफ निकल आई। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बनेगा ये। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, आल का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैंने इसको प्रेस कर लिया और इस साइड पर मैंने ये तरपाई लगा दी। ये वाली जो दोनों पट्टियां मैंने प्रेस लगाई थी इन पर, इनको इस तरह से दोनों को बराबर करके रखते हैं। तो यहाँ मैं इसको सीधी लाइन लगाऊंगी ऐसे। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से हल्का सा राउंड शेप कर देनी है इसकी। देखें ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो देखें पाइपिंग लगाने के लिए ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। मैं थोड़ी सी इसकी बूट पाइपिंग करूँगी। आप जितनी चौड़ी इसकी पाइपिंग करना चाहते हैं तो आप उतनी रख लें इसको। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो अब इसको इस तरह से मैं फोल्ड करके इसके साथ बिल्कुल सिलाई लगाऊंगी।
देखें इसकी जड़ में मैंने सिलाई लगा ली, तो अभी एक सिलाई में इसके ऊपर आकर लगाऊंगी। तो एक सिलाई इसके किनारे पर लगाऊंगी मैं, जो कि लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। देखें बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये बन जाती है, बहुत प्यारी लगती है इस तरह की बूट पाइपिंग। तो देखें कपड़े का ये मैंने एक छोटा सा पीस लिया है, तो इसको आगे से मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए ये चौक से निशान बन गया। अब इसके दोनों साइड पर इस तरह से मैंने ये वाला कपड़ा, ये वाला जो पीस मैंने रेडी किए हैं वो रखने हैं इस तरह से। ये देखिए तो देखिए नीचे से हमारी ये बुकरम भी कवर हो जाएगी और कपड़ा भी नीचे लगा दिया मैंने। तो अब इसको इस पर मैं एक पैर की इस तरह से दोनों साइड पर सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी। सारे टोटल पैटर्न पर मैंने इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है। तो देखें छह सिलाइयाँ मैंने इस साइड पर लगाई हैं और छह सिलाइयाँ ही मैं इस साइड पर लगाऊंगी। तो देखें दोनों साइड पर मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न रेडी हुआ। जितना आप अपना गला डीप रखना चाहते हैं आप उतना निशान लगा लें। तो मैं अपना गला जो इसकी डीप है वो 6.5 इंच रखूँगी। तो देखें मैंने 6.5 इंच पर निशान इधर भी लगा दिया और इस साइड पर भी मैं 6.5 इंच पर ही निशान लगाऊँगी। देखिए अब इस पैटर्न को अपने गले के नीचे रखना है, सेट कर लेना है अपने अच्छे से। इसको नीचे से मैंने इसको सेट कर दिया और नीचे से मैंने इसको एक पिन लगा दी। अब यहाँ से आपने जितना आपका गला खुला है आपने उतना इसके यहाँ से मेजरमेंट कर लेनी है। तो मेरा गला 6.5 इंच पर रेडी है। तो देखिए मैंने तीनों साइड से इसको पिन अप कर लिया है। तो अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखें बहुत खूबसूरती से एक ही सिलाई में गला हमारा फिट आ गया। तो देखें यहाँ से सिलाई दोनों साइड से इक्वल आई है और इधर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैं कट कर दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा गला बना है। तो अब इस पर मैं मोती लगाऊंगी। तो देखें इस तरह से मैंने एक लटकन बना लिया है और बाकी भी इसी तरह से बनाकर मैं लगाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे इस तरह से हैंगिंग वाले बटन बन जाते हैं। ये देखें ये पहने हुए इस तरह से कुछ इनकी लुक आ गई, बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।